इतना धूप में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? इसका लास्ट छोर का नज़ारा देख लीजिए अच्छी तरीके से, पीछे है जो कि मैं दिखाने वाला हूँ। और इस साइड जो आपको कुछ घर वगैरह देख रहा है ये मौना लगर, यहाँ पर जो साइड में जो कुछ गांव वगैरह है ये यहाँ पर मौना लगर गांव वगैरह है। ओके सो हेलो एवरीवन, मैं रेहान, वेलकम बैक टू माय चैनल रेहान सिद्दीकी व्लॉग्स। तो गाइस आज बांध पे आए हैं और फिर से आपको पीछे इधर आपको हमारे साथ ये भी चल रहा है और वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, अभी वहाँ पर जाएंगे घूमेंगे और आपको वहाँ पर जाकर एक्सप्लोर करेंगे और टूर करके दिखाएंगे। तो व्लॉग में बने रहिए, अभी हम लोग साइकिल से जा रहे हैं और वहाँ पर जाएंगे तो आपको चलकर दिखाएंगे। तो फाइनली भाई साहब अभी आ चुके हैं इधर, आपको पीछे ब्रिज दिख रहा होगा चंदौली, जो हमारे गाँव का ब्रिज है। तो अभी इस पर जाएँगे ऊपर और आपको दिखाएंगे। काफ़ी धूप वगैरह, गर्मी भी लग रहा है इधर, आप चचरी वगैरह था वो सारा कुछ यहाँ से समाप्त हो चुका है, यानी रह चुका है। तो फिलहाल में अब आगमन के लिए यहाँ पर छोटा सा सीढ़ी वगैरह के सहारे लोग आते जाते हैं ब्रिज पर। सो अभी हम इसी के से ऊपर जा रहे हैं इसी के सहारे और आपको वहाँ दिखाते हैं सो कैसा है यहाँ का नज़ारा, चलिए ब्लॉग में बने। तो पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि काफ़ी अभी बागमती नदी में जो पानी उफान मार रहा था, सो अभी आपको दिख रहा होगा कि पानी एकदम नीचे जा चुका है, पीनी में जा चुका है पानी, अभी दिख रहा होगा कि बहुत कम पानी है। और एक आध साल पहले जो हम आपको वीडियो दिखाए थे, सो उधर जो सामने आपको सब जगह दिख रहा है यहाँ पर छठ का त्यौहार। तो अभी जो एक साल पहले हमने आपको दिखाया था कि यहाँ से जो लास्ट में आपको दिख रहा होगा इधर, तो ये सब नहीं बना हुआ था और अभी सब तैयार है, देख सकते हैं इधर अभी काम पूरी तरह से अभी फिनिश नहीं हुआ। सो सिर्फ आवागमन के चालू रखने के लिए ये कराया गया। फाइनली इधर आपको प्लांट वगैरह दिख रहा होगा ब्रिज का, जो अभी पूरी तरह से थप है। सो अभी बीच में पानी आया हुआ था और ऊपर का काम रह गया हुआ है। फाइनली ये रहा पीछे का नज़ारा, आपको दिख रहा होगा अभी हम चल रहे हैं वहाँ पर ब्रिज के लास्ट में, वहाँ पर कुछ काम वगैरह हो रहा है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो चलेंगे, चल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। इतना धूप में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है बताइए? कुछ भी, बहुत ही गर्मी लग रहा है, लेकिन कुछ भी के लिए करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है ना, बिना किए तो आगे बढ़ नहीं सकते। बस आप लोग का सपोर्ट है, हमारे रेहान भाई आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, सपोर्ट करते रहिए इंशाल्लाह, आप लोग के सपोर्ट से होगा सब कुछ, आपके एक सब्सक्राइब से किसी तकदीर बदल सकता है। सो फाइनली ये रहा इधर, आपको जो यहाँ पर छोटा सा पिलर दिख रहा होगा लंबा लंबा वगैरह, काफ़ी पिलर वगैरह जो रखा हुआ है, और यहाँ पर जो आपको छन वगैरह दिख रहा होगा ये पिलर इसी में सेट किया जाएगा और आपको कुछ इस तरह से इसका नज़ारा मिलेगा देखने को। ये जो पिलर है इधर, तो अभी आपको दिख रहा होगा कि पिलर जो होता है, जो पुल के दोनों ब्रिज के साइड जो घेरावा होता है उसका जो सेटलमेंट है वो अभी चल रहा है और अभी काम आपको दिख रहा है कैसे कैसे हो रहा है अभी दोनों तरफ से घेराव के लिए। देखिए सो फाइनली भाई साहब अभी हम आ चुके हैं अंतिम छोर के, ब्रिज का जो अंतिम छोर है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। काफ़ी यार थक गए आते आते, मतलब समझ लीजिए आप तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा ना, समझे, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ऊंचाई देखिए भाई साहब। इससे आगे भी ये बनने वाला है ताकि ये रोड जाएगा यहाँ से, मुजफ्फरपुर एक शहर है उसका ये शॉर्टकट रोड जाने वाला है। सो यहीं से शॉर्टकट रास्ता निकलने वाला है, पूरा ना दिखा दे। तो देखिए दोस्तों ये हमारा पुल का लास्ट छोर का नज़ारा देख लीजिए अच्छी तरीके से, पीछे है जो कि मैं दिखाने वाला। और इस साइड जो आपको कुछ घर वगैरह देख रहा है ये मौना लगर, यहाँ पर जो साइड में जो कुछ गांव वगैरह है ये यहाँ पर मौना लगर गांव वगैरह है बसा हुआ है। काफ़ी यहाँ पर आपको भीड़ वगैरह दिख रहा होगा, लगा दिया गया है जिससे कि लोग आते जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं ना। और इसका चौलाई करीब करीब 2 ट्रक निकलने के समान, 2 लाइन मान लीजिए इसका चौलाई। तो फाइनली इधर आपको सारा कुछ दिखाने के बाद अभी हम लोग चल रहे हैं घर के लिए और साइड वहाँ पर शुरू में ही कुछ और भी चीज़ आपको रह गया था बताने के लिए, सो वहाँ पर चल रहे हैं और आपको इसलिए यहाँ पर अभी वीडियो दिखा रहे हैं कि काफ़ी शाइनिंग वगैरह एकदम साफ़ सुथरा यहाँ पर का पुल आपको बीच में दिख रहा होगा, काफ़ी शानदार लग रहा है। तो अभी ब्रिज चालू नहीं हुआ और ये उद्घाटन कर रहा है, देखिए कैसे चल रहा है अभी ब्रिज पर।
करीब करीब इसका जो लंबाई डिस्टेंस होगा हम आपको बताते हैं कि यहाँ से जो करीब शुरू से लेकर ये जो शुरू का छोर दिख रहा होगा आपको और ये लास्ट का छोर इधर, ये करीब 1 किलोमीटर लंबा होगा।